अत्यधिक कुशल और जटिल प्रक्रिया के दौरान नागपुर के वोकार्ड अस्पताल में एक 24 वर्षीय मरीज की जान बचाई गई। एक सड़क हादसे के बाद मरीज की भोजन नली टूट गई थी और खोपड़ी में भी फ्रैक्चर हो गया था। डॉक्टर पीयूष मुरद्वार कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजी जो मुख्य रूप से मरीज का इलाज कर रहे थे, इन्होंने टूटी हुई भोजन नली को ठीक किया। डॉक्टर राहुल जमान न्यूरो सर्जरी ने संबंधित मरीज की क्षतिग्रस्त खोपड़ी की हड्डी का ऑपरेशन किया और डॉक्टर परीक्षित जनाई सलाहकार प्लास्टिक सर्जरी ने मरीज के क्षतिग्रस्त चेहरे की हड्डियों को ठीक किया। जबलपुर के रहने वाले मरीज को वोकार्ड अस्पताल के आपातकालीन विभाग में लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार देकर उसे पहले स्थिर किया गया। जब मरीज को वोकार्ड के इमरजेंसी रूम में ले जाया गया तो वो पूरी तरह से होश में नहीं था, उसका ऑक्सीजन लेवल भी कम था। संबंधित मरीज के नाक से खून बह रहा था, कन्वल्शन और उल्टी के साथ सिर में चोट भी लगी थी। भोजन नली फटने के कारण उसके सीने की गुहा में हवा और तरल पदार्थ रिसने लगा था, जो आगे चलकर संक्रमित हो गया। उन्हें तत्काल ऑक्सीजन सपोर्ट और अन्य सहायक देखभाल शुरू की गई और उन्हें डॉक्टर पीयूष मरुद्वार के अधीन भर्ती कराया गया था। उसी सुबह डॉक्टर मरुद्वार ने यूजीआई एंडोस्कोपी और एसोवेगस में वैद के स्थान को जीवन रक्षक अग्रिम प्रक्रिया और नवीनतम तकनीक जिसे स्कोप क्लिपिंग पर फुल थिकनेस कहा जाता है का उपयोग करके वैद को सील कर दिया। यह मामला अधिक चुनौतीपूर्ण था क्योंकि अन्य प्रणाली में वैद का ये स्थान बहुत ऊपर था। इस नवीनतम एंडोस्कोपिक तकनीक का उपयोग करके बड़ी सर्जरी को टाला गया। अगले दिन सिटी स्कैन से यह साफ हो गया कि वैद की जगह को पूरी तरह से सील कर दिया गया है, इसलिए मरीज को जरूरी मौखिक आहार भी शुरू कर दिया गया। मैं डॉक्टर पीयूष मारडवार कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हेपेटोलॉजिस्ट एंड एंडोस्कोपिस्ट वोकार्ड हॉस्पिटल नागपुर में कार्यरत हूँ। तो ये जो पेशेंट थे 24 साल के युवक, वो मतलब क्रिटिकल पोजीशन में आए थे वोकार्ड में। उनको जो था फूड पाइप यानी इसोफेगस में परफोरेशन था और वो परफोरेशन जो है उसके वजह से चेस्ट में छाती में इन्फेक्शन हुआ था। अब छाती में इन्फेक्शन के कारण वो जो है ब्लड में भी फैल चुका था और परिस्थिति गंभीर थी। और ये जो नॉर्मली ये जो प्रोसीजर है ओपन करना पड़ता है छाती को पूरे, और वो 7 से 8 घंटे लगते हैं जहाँ पे क्रिटिकल स्ट्रक्चर रहते हैं जैसे हार्ट लंग्स, तो उसके मतलब बीच में ये करना पड़ता है। मगर ये जो प्रोसीजर की है वो एंडोस्कोपी के लिए की थी और जो प्रोसीजर का समय था सिर्फ केवल 40 मिनट में पूरी प्रोसीजर कंप्लीट हुई थी और पेशेंट जो है दूसरे दिन खाना पीना चालू कर दिया था पेशेंट ने। 24 साल के इस युवक के चेहरे को विकृति से बचाने के लिए डॉक्टर परीक्षित जनाई द्वारा ट्रिकी फेशियल बोन फ्रैक्चर सर्जरी की गई। डॉक्टर राहुल ने अभिनव एंडोस्कोपिक खोपड़ी बेस की मरम्मत का उपयोग करके खोपड़ी के बेस को दुरुस्त किया। मरीज को ब्रेन कवरिंग का इन्फेक्शन भी था। डॉक्टर वैभव अग्रवाल जो सलाहकार चिकित्सक और इंटेंसिव्स है की मदद से एपिड्यूरल और इंट्रावेनस एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग करके मेनिनजाइटिस का इलाज किया गया। यहाँ ये भी उल्लेखनीय है कि दुनिया भर के अच्छे केंद्रों में इस प्रकार के मेनिनजाइटिस के साथ जीवित रहने की दर केवल 20 से 30% है। यह मरीज डॉक्टरों की इन सभी कोशिशों से ठीक हो गया और उसे अस्पताल से सफलतापूर्वक छुट्टी दे दी गई है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN News नागपुर।